तक इतिहास में उसके जैसा कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ है, बल्कि सत्ता के सेमीफाइनल बता रहे थे वो दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं। तो सेमीफाइनल में हार गए तो फाइनल में जिसका वोट होगा उसकी सरकार आएगी। स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूं अमित अमन। आज हम मौजूद हैं ककराड़ा गांव में, जो कि अटेली विधानसभा का गांव है, और आज हम यहां सर्वे करने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 और उसके बाद में जो अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे उनका हम सर्वे करते हैं। आइए हम जान लेते हैं इन लोगों से कि इनकी क्या राय है, किसकी सरकार आनी चाहिए। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? सरकार आप बताइए सर, आप बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, और उसके बाद में जब आपके विधानसभा चुनाव होंगे अक्टूबर में तो किसकी सरकार आएगी? क्यों आएगी सर? काम अच्छा कर रहे, कोई एक काम बताऊं? मेरा तो भाई मैं अनपढ़ आदमी से काम तो यही से नौकरी मरवा दिया, पैसे वाले को सर बच्चा है वो सर्विस मिलती है उसको, नौकरियां ना प्रिय मिली। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। और विधानसभा में? विधानसभा में बीजेपी की। कहीं ये मतलब आपको बीजेपी समर्थक है या काम के हिसाब से? काम के हिसाब भाई ना, वोट बांट तो सबका बात कर रहे। चलो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताइए आपको क्या लगता है? भाई बीजेपी क्या होगी, बीजेपी जान शहीद कर दिया ना उरा के, बीजेपी जाने तो वो शहीद करने की वजह से शहीद किए भाई, पाकिस्तान पद के तो मरिया से ना भरण चीजा पद के बेर पास है कित लिखे दे रहा की मरिया शाहजाड़ा के बारे में दे रहा की बोल के तो तित्र मेरा मोटी मेरे कबूतर मेरा आदमी है कि दे रहा की ठीक है। तो आपका क्या मानना है कि वहाँ कुछ हुआ नहीं, मतलब सरकार ये एक प्रोपेगेंडा कर रहा है? हाँ यो भाई अखबार तो यह चीज बोल रहे, बाकी तो हमने रुको ना अखबार माजाड़ा में आई अगना फिर कितना मरे ठीक है। चलिए आइए हम लोग, सर आप बताइए आपको क्या सरकार तो देखो इस बार बीजेपी का है। बीजेपी मैं तो पहले आज तक मैंने चार योजना इलेक्शन वोट किया है, मैंने आज से पहले चौटाला वोट किया है और ऊपर भी चौटाला के दिया जो कंडेक्ट खड़ा हुआ, लेकिन आज इससे आगे मैं बीजेपी का वोट दूंगा। क्यों? आगे काम जो भी किया मैं तो इसी चीज से खुश हूँ, चाहे मेरे को नौकरी मत मिलो लेकिन जो काम कर रहा है मैं इसी से खुश हूँ। गाँव का बालक बहुत लगा है बीजेपी, ये बात माननी पड़ेगी। अच्छा नौकरी की वजह से बोल रहे? हाँ नौकरी की वजह से, मैंने भाई नौकरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा बालक लगा है, निष्पक्ष काम है। हाँ आपको क्या लगता है जो सरकार और कांग्रेस ये बीजेपी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ सिर्फ लोगों को बना रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है ये कांग्रेस की सरकार क्यों है? कांग्रेस की सरकार इसलिए है कि इन्होंने देश बहुत पीछे तक कर दिया, नोटबंदी ने गरीब लोगों को तंग करके रख दिया। बिल्कुल ये जुमलाबाद सरकार है। अच्छा ये जुमलाबाद सरकार है इसलिए अब की बार कांग्रेस करना कुछ नहीं। अच्छा करना कुछ नहीं बीजेपी की वजह, बीजेपी सर आप बताइए कौन सी सरकार आएगी? सेंटर में आएंगे नरेंद्र मोदी जी जी, और हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी ही आएगी जी, यहाँ के विधायक है वो भी अच्छा काम किया, हमारे गांव में भी अच्छा काम किया है, दे रही है कई रोड बन रहे हमारे गांव में, बढ़िया काम किया है बीजेपी की आएगी। संतोष आएगी, संतोष आएगी यहाँ पर। आइए कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताइए आपको क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी सरकार है? लोकसभा में बीजेपी है। बीजेपी क्यों है? जो रोड राड बनाना ठीक ना हो तो लोग मान सकता है ठीक ना हो किस रोड के फायदे। चलो ये इनके अपने विचार हैं, और भी यंग बच्चे भी हमारे साथ। बाकी एजुकेशन में तो कोई काम हुई कन्या और लिया और जो बूढ़ा। आइए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबा आप बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब? सरकार भाई मोदी की आओ
मोदी क्या है? अच्छा क्यों लगता है आपको? इन बहन से देखो ये जो लड़ाई हो रही है ये दूसरे कितने आदमी मरे बहन तो वहाँ देखे गए थे वो टारगेट था वो टारगेट के हिट कर दिया फिर उसके बाद क्या रहे? ये पूछ रहे बहन चो ये देश द्रोही है बाकी पार्टी कांग्रेस सरकार कल दिग्विजय का भी बयान आया था ऐसा ये सारे बताओ दिग्विजय सिंह एक बार सड़ा ये सब बकवासबाजी कर रहे हैं ये बहन चो पंजाब वाला मंत्री है बहन चो वो भी बकवासबाजी कर रहा नवजोत सिंह सिद्धू की बात हाँ सिंधु सुसरा तो ये बहन चो देश को दबोने की कोशिश कर रहे हैं सही कह रहे हैं पेट गिरा है पेट गिरा बहन चो अरे तुम बहन चो तुम्हारे औलाद भेजो वहाँ जब बताएंगे कि पेट गिर रहे हैं क्या क्या हो सही बात बताइए ये बहन जो दो सवाल पूछ रहे हैं इनको अपने औलाद को भेज कर देखो कि वहाँ क्या होता है मेरा कहने का मतलब ये है कि देश द्रोही एक बहन तो मैं मुख्यमंत्री रही बहन तो बकवास पार्टी कर रही तो मोदी अच्छा काम कर रहा है और मोदी की सरकार आई चलो और भी कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं बाबा आप बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी भाई सरकार मोदी की आएगी मोदी जैसा प्रधानमंत्री नए उभारने होगा जी और हरियाणा में जब चुनाव होंगे मुख्यमंत्री के लिए तो वहाँ किसकी आएगी वहाँ खट्टर की सरकार आएगी आपके यहाँ अच्छे काम हुए बहुत अच्छे भाई हमारे लिए खट्टर की सरकार बढ़िया है पहली बात तो ये जो खट्टर की सरकार में जो काम हुए है ना वो बिल्कुल निष्पक्ष हुए हाँ कोई सर्विस के बारे में कोई मतलब जिसकी मेरिट बनती उसी आधार पर दिया जाता है और बहुत अच्छा और बाकी सरकार आई है ना कांग्रेस की इन्होंने तो इलाका पर कौम प्रस्तुत की और ये साफ आदमी उन्होंने अपनी राय रखी आइए हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनकी क्या राय खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार आइए हमारे साथ एक जन और मौजूद है उनसे हम जान लेते हैं कि इनके क्या विचार हैं सर आप बताइए कि लोकसभा में किसकी सरकार आएगी लोकसभा मोदी की मोदी सरकार आएगी और थोड़े दिन के बाद में जब विधानसभा इलेक्शन होंगे अक्टूबर के आसपास में तो वहाँ किसकी सरकार आएगी हरियाणा में खट्टर की सरकार आएगी ऐसा आपको क्यों लगता है सब क्या हम फायदा कर रहे हैं पिछली सरकारें थी उन्होंने कोई काम नहीं किया कोई नहीं किया काम अब की बार ही काम है कोई काम नहीं कोई काम नहीं सभी रुके पड़े थे कौन कौन से काम हुए आप बालक नौकरी लाया जी और सब रोड अगरबत्ती सब धारा रुपये काम कर जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है क्या आपको लगता है निष्पक्ष निष्पक्ष चलो और भी काफी यंग बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं आइए उनसे भी हम जान लेते हैं अगर वो बताएंगे होगी आप बताइए कि अब की बार किसकी सरकार आ सकती है लोकसभा वो तो जी चुनाव पर निर्भर करता है चुनाव पर तो निर्भर करता है लेकिन आपकी अपनी भी तो कोई सोच होगी कि इसकी सरकार आनी चाहिए मेरी सोच नहीं मैं किसको वोट दे सकता हूँ वो बता सकता हूँ लेकिन मेरी क्या सोच है ये बता सकता हूँ सरकार तो किसी की भी आ सकती है आपकी सोच पूछ रहे हैं जी हमारे विचार से कार्य तो अच्छे हुए हैं इस समय लेकिन धर्म पर भी राजनीति तेज हुई है मुद्दे विकास के भटकाकर लाए जा रहे सारे धर्म के ऊपर तो हमें ना इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि विकास के मुद्दे भी ज्यादा उठाए जाए सरकार में जो हमारे वैचारिक मूल्य या नैतिक मूल्य उनका कुछ पतन होता हुआ नजर आया मुझे यहाँ पे तो हमें इन नैतिक मूल्यों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए निसंदेह सरकारी नौकरियां बहुत ज्यादा निकली हैं बच्चे लगे भी हैं तो इस गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी किए हैं परंतु जिस प्रकार से धर्म पे राजनीति इस दौरान जो सक्रिय हुई है वो पहले किसी साल में नहीं हुई वो भी बहुत लगातार निरंतर रूप से बढ़ती गई है तो अगर इसके ऊपर सरकार कुछ कार्रवाई करे तो हमें अति प्रसन्नता होगी आपको क्या लगता है कि आपके नैतिक मूल्य कौन सी सरकार बचा पाएगी नैतिक मूल्य तो आज के समय तो आपको पता है हर एक राजनीति और हर एक राजनीतिक दल का नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करता है तो वो तो मुझे किसी में नजर नहीं आता कि जो हमारे नैतिक मूल्य बचा पाए ये तो हम ही को अपना बीड़ा उठाना पड़ेगा तो कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं सरकार ने अच्छा काम किया अब तक
हाँ जी, अगर नंबर देने की बात आए तो 10 में से 6 नंबर देता हूँ। 10 में से 6 नंबर देते हो तो अगली बार ये सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अब ये तो देखते हैं अभी कैसा माहौल बनता है और किस प्रकार के कार्य विचार किया जाएगा। मैं आपका विचार ही जानना चाह रहा हूँ कि आपके विचार से आनी चाहिए कि नहीं आनी। हाँ जी हाँ जी, आकलन करेंगे, देखेंगे किसे वोट देना चाहिए, सबके घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, सबको देख करके फिर निश्चित करेंगे कि हमें किसको अपना वोट देना चाहिए। जो विकास के मुद्दे पर बहस करेगा, जो अच्छे कार्य करेगा, उसे हम ही उसी को वोट देंगे, उसी को चुनेंगे। तो आपको लग रहा है कि विकास मुद्दे पर बहस हो रही है? हाँ, कुछ तो प्रतिशत तो हो रही है। और भी लोग काफी मौजूद है, आइए हम इनसे भी जान लेते हैं। आइए, एक माता जी हमारे साथ है, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है। माँ जी, आप बताइए कि किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार मोदी की आनी चाहिए। अच्छा जी, आपको ऐसा क्यों लगा? नई बंदी से जी, यही अच्छा है, हमने यही अच्छा लगा। बालक नौकरी लगाया, बालक नौकरी लग कर और लग जाए, और लग जाए। निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सेवा उद्देश्य है हमारा। BLN पब्लिक स्कूल, विलेज झाड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। कठिन परिश्रम में विश्वास रखते हैं और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में कोसली क्षेत्र में BLN हाई स्कूल झाड़ोदा उन्नति पर होगा। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। और इसका रिजल्ट जो है वो 100% रहता है। पिछले वर्ष जो है हमारे विद्यालय में 18 मेरिट और 16 फर्स्ट डिवीजन आए। कुछ लोग और यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं उनके राजनीतिक विचार क्या हैं। सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। ऐसा आपको क्यों लगता है सर? मुझे बढ़िया काम करे, सिर्फ बढ़िया काम है सारा, काम बढ़िया कर रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद में, एक्चुअली अक्टूबर के आसपास में आपके विधानसभा चुनाव भी आएंगे, तो उस टाइम पे आपको किसकी सरकार नजर आ रही आती है? विधानसभा का भी। अच्छा, वो कैंडिडेट बेस्ड होगा। और भी आपके, आपकी बार दो पार्टियां और भी उभर के आ रही है, एक तो JJP है और एक आम आदमी पार्टी है, क्या उनका अस्तित्व है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस BJP के अंदर ही टक्कर रहने वाली है। चलिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं एक बार। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किसी सरकार भाई? अभी कुछ नहीं कह सकते, माहौल अभी गड़बड़ी चल रहा है जी। तो माहौल को देख के है तो मोदी का ही, और आगे वोट जब पता लगेगा। वो तो वोट डलने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार रहेगी? अभी कुछ नहीं कह सकते किसका क्या रुझान है, सब जगह अपना अपना पार्टी संगठन बना रही है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ना, राहुल गांधी, राहुल गांधी।